हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर आपको कटोरी ब्लाउज को स्टिच कैसे करना है वो बताऊंगी। सिर्फ यहाँ पे कटोरी को स्टिच कैसे करना है और योग पट्टियों कैसे स्टिच करना है वो बताऊंगी। और इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी हूँ, तो आप चाहो तो वहाँ से इसे देख सकते हो। तो ये देखिए, कटोरी को मैंने सबसे पहले हाफ कर लिया है, उसके बाद कटोरी को सेंटर से मैंने 1.5 इंच लिया है और इसकी लंबाई ली हूँ 2.5 इंच, और इस तरह से निशान लगा करके ऐसे मैं सिलाई करूँगी एकदम सिंपल तरीके से। तो मैंने इस पर डबल सिलाई कर दी हूँ, तो आप देखोगे कितने अच्छे तरीके से ये उभर के आया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब इस कटोरी को हम ऐसे टर्न करेंगे और उसके बाद हम इसकी सिलाई कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर रखते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे, कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बराबर पे रखते हुए इसकी हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए ऐसे बराबर पे रखते हुए आप सिलाई कर लीजिए, और यहाँ पे आप देखोगे एकदम बराबर पे हुआ है, थोड़ा सा भी बड़ा छोटा नहीं हुआ है। इसको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद इसको हम इस तरह से सिल लेंगे, और इसके बाद इसको हम डबल सिलाई कर लेते हैं जिससे अच्छे से इसकी फिटिंग आ जाए और अच्छा लुक देता है एक। तो देखिए ये सिल करके रेडी हो गया है। अब इस पे हम योग पट्टी लगाएंगे। तो योग पट्टी को मैं सिंपल तरीके से लगा रही हूँ, यहाँ पर इस तरह से सीधा रखने के बाद इसको ऐसे उल्टा टर्न कर लेंगे और उस पे इस तरह से डबल सिलाई करके हम सिल लेंगे। और जब भी इसकी सिलाई करेंगे, नीचे का जो ये टक्स का है उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, आप देख सकते हो, उम्मीद करती हूँ। इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम ऐसे बराबर पे रखते हुए इसकी सिलाई करेंगे, और हाँ हमें खींचना नहीं है, बराबर पे इस तरह से रखते हुए सिलाई कर लेंगे। आप देखोगे योग पट्टी भी बराबर आ रहा है, जरा सा भी बड़ा छोटा नहीं हुआ है, और इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये सिल करके रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी सिल लेंगे। तो देखिए इसको मैंने इस तरह सिल लिया है। अब इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद अब योग पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे, और ये योग पट्टी जो है आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड कर दिया है टक्स को, और इसको हम इसी तरफ करेंगे कटोरी के साइड में। ये देखिए जो ये सिलाई था कटोरी का, उसको मैंने कटोरी साइड में ही किया है, यानी जिस साइड कटोरी का प्लेट है उसी साइड मैंने किया है, और अच्छे से इसको स्टिच कर लिया है डबल सिलाई करके। इसी तरह के और भी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप चाहो तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको अलग अलग स्टिच मिल जाएंगे अलग अलग साइज़ के। वीडियो पे इसी तरह से बने रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।